हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएम मोदी को अब किसकी चिंता हुई? अमेरिका ने क्यों ब्लैकमेल किया? भारत ने 27 टन क्या लिया? ईरान रईसी, बाप रे। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं, आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरब को लेकर। दरअसल सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण वो सऊदी अरब में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सऊदी किंग को लंग्स इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में पिछले कल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सऊदी अरब के किंग के लिए एक स्टेटमेंट जारी की है। मोदी जी ने कहा है कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत को लेकर जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उनसे मैं काफी चिंतित हूं, और भारत के लोगों के साथ मिलकर मैं ये कामना करता हूं कि सऊदी किंग दोबारा से ठीक हो जाए और उनकी सेहत की जल्दी रिकवरी हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी किंग की उम्र 88 साल की है, एंड आई थिंक सऊदी किंग की कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपनी जापान की विजिट को अचानक से कैंसिल करके जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा के साथ ऑनलाइन वीडियो से ही सारी मीटिंग्स को अटेंड किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये ट्वीट कर दिया है। माना जाता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में कई सारे रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक प्रैक्टिसेस को छोड़कर सऊदी अरब में एक मॉडर्न इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन अभी के सऊदी किंग इसको लेकर थोड़े से रिजिड हैं, यानी कि पुराने ख्याल के हैं। मगर उनके जाने के बाद सऊदी अरब की कंप्लीट अथॉरिटी मोहम्मद बिन सलमान के पास आ जाएगी। सऊदी अरब में देखने को मिलेंगे बहुत ही बड़े बड़े इस्लामिक रिफॉर्म्स, और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर। दरअसल भारत में डेटा सेंटर खोलने की घोषणा के बाद अब गूगल कंपनी ने भारत के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल गूगल ने कई महीने पहले ये अनाउंस किया था कि वो बहुत ही जल्द अपने सबसे महंगे स्मार्टफोन्स गूगल पिक्सल 8 और गूगल पिक्सल 8 प्रो की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड अभी पिछले कल खबर आई है कि गूगल ने भारत में अपना लोकल मैन्युफैक्चरर यानी कि लोकल पार्टनर ढूंढ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने टाई अप किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि एक भारतीय कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि दूसरी कंपनीज इनके पास आती हैं और इनसे अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पार्टनर की लिस्ट में सैमसंग, शाओमी, पैनासोनिक और तो वेट करूं कब ऐसी क्लिपिंग्स में इंडियंस बैठ के कर रहे होंगे। वॉशिंग मशीन्स, टेलीवीजन और जब देखो कोई बाहर वाली वीडियोस और इंप्रेसिव लगता है वो हमारा इंडिया का होगा, देखो तो कोई और ही करती है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ये आया ना इंडिया, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजीज गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स की हर महीने 1 लाख यूनिट्स भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें से 30% फोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होंगे। बस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि ट्रायल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से भारत के अंदर गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे का कारण है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हर जगह गोल्ड की कीमतें के ऊपर उठापटक चल रही है। वो पहले कोविड-19 आया, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, और वो भी खत्म ही नहीं हुआ था कि ये इजराइल और हमास आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल में अब्राहम रईसी की मौत के साथ पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट इस समय काफी डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में दुनिया के काफी सारे देश बायलेटरल ट्रेड की पेमेंट्स पे अपनी खुद की नेशनल करेंसीज को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिसके चलते दुनिया के मेजर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने फॉरेन करेंसी एसेट्स की जगह अब गोल्ड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। काफी सारी वॉलेटिलिटी के कारण यूएस डॉलर्स, यूरो या पौंड की जगह गोल्ड को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, जिसके चलते भारत के सेंट्रल बैंक ने भी गोल्ड रिजर्व को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक साल 2024 के पहले 4 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आरबीआई ने 24 टन गोल्ड अभी तक एक्युमुलेट कर दिया है। अभी बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले साल 2023 में पूरे साल के दौरान आरबीआई ने केवल 16 टन गोल्ड एक्युमुलेट किया था, जबकि इस साल 4 महीनों के अंदर ही उसके 1.5 गुना ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के दिसंबर एंड में भारत के टोटल गोल्ड रिजर्व थे 803 टन, एंड अब अप्रैल एंड में ये फिगर 827 टन तक पहुंच गया है। एंड इसके साथ आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आज की डेट में कौन से देश के पास हैं और कितने हैं। यूएसए दुनिया में 9th नंबर के ऊपर है, जबकि टॉप 5 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रशिया। चाइना 6th के ऊपर है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
आज से ठीक 11 दिन पहले 12 मई को भारत आए थे और वो वेस्ट बंगाल स्टेट की कोलकाता सिटी में रुके थे। भारत में वो मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो कोलकाता में अचानक से गायब हो गए थे और अपने स्टाफ को बताया था कि वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन जब 2-3 दिन उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस को कंप्लेंट की, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने 18 मई को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। पिछले कल बांग्लादेश के एमपी का कोलकाता में शव मिला है, यानी कि उनका भारत के अंदर मर्डर हो गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कोलकाता में रह रहे बांग्लादेशियों का ही हाथ है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। अब क्योंकि यहाँ देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, इससे हो सकता है कि भारत का विदेश मंत्रालय भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत के फाइटर जेट्स के इंजन को लेकर। अब क्योंकि हम अभी तक खुद का अपना फाइटर जेट का इंजन डेवलप नहीं कर पाए हैं, इस वजह से भारत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से नेगोशिएशंस कर रहा था। इंजन को लेकर हमारी बात चल रही थी ताकि फिलहाल के लिए हम अपने फाइटर जेट्स में अभी अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल कर लें और फ्यूचर में जब खुद का फाइटर जेट का इंजन हम डेवलप कर लेंगे उसको बाद में यूज कर लेंगे। लेकिन अब इसको लेकर एक लेटेस्ट खबर आई है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन की भारत में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की परमिशन देने के लिए तो रेडी है, लेकिन कंपनी ने अपने इंजन के IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट्स भारत को देने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर भारत को इंजन में थोड़े से चेंजेस करने होंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट राइट ना मिलना इसका मतलब है कि भारत जिन भी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर अमेरिका के इंजन को यूज करेगा, कल को हमें उनको किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने से पहले अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर भारत अमेरिकन कंपनी के इस इंजन को तेजस मार्क 2 या फिर एमका फाइटर जेट में इंस्टॉल करता है तो फिर अमेरिका जिन देशों की परमिशन देगा भारत केवल देशों को मिल जाए, ईरान को दे दो। अपडेट आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर कल यूनाइटेड नेशंस की काफी बेइज्जती हुई है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और वहां की आर्मी के कहने के ऊपर इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया है और उनके ऊपर वहां पर कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं। पिछले कल क्या हुआ कि राजधानी इस्लामाबाद में जो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हेड ऑफिस है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस और PTI के अधिकारियों के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। यूनाइटेड नेशंस के कई सारे लोग PTI के ऑफिस में वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और उसी समय पाकिस्तान पुलिस ने PTI के ऑफिस के ऊपर छापेमारी कर दी और यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों और उनकी गाड़ियों को कई घंटे तक कंपाउंड से बाहर जाने की पता चल गया। UN के लोग कर्मचारी काफी देर तक वहीं पर खड़े रहे, जिस बीच पाकिस्तान पुलिस और PTI वर्कर्स के बीच काफी झगड़ा भी हुआ। पुलिस ने काफी देर तक ऑफिस की तलाश ली, घंटों बाद यूनाइटेड नेशंस के लोगों को PTI ऑफिस से जाने की परमिशन दी। वैसे ये भी अपने आप में हैरानी वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में क्यों जा रहे हैं। PTI के लोगों के साथ मीटिंग करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, कमेंट करके बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। दरअसल पिछले कल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद को भंग करने और अगले इलेक्शंस की डेट को अनाउंस करके अचानक से सबको चौंका दिया है। ब्रिटेन में अब अर्ली इलेक्शंस होंगे। दरअसल ऋषि सुनक की सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन में अब अर्ली इलेक्शंस होंगे और डेट फाइनलाइज की गई है 4 जुलाई को, यानी 45 दिनों के अंदर ब्रिटेन में अचानक से वहाँ पर जनरल इलेक्शंस होंगे। अब देखना ही होगा कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या फिर। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमंस में बर्ड फ्लू का एक पहला केस डिटेक्ट हुआ है एंड ये भारत से लिंक्ड है। दरअसल इंडियन ओरिजिन की एक फैमिली मार्च महीने में भारत आई थी, जिस दौरान फैमिली का एक बच्चा यहाँ पर बीमार हो गया था और जब फैमिली भारत से रिटर्न ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पर जाकर बच्चे के कुछ टेस्ट करवाए गए जिसमें पता चला है कि उस बच्चे को बर्ड फ्लू हुआ था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि फिलहाल बच्चे ने रिकवरी कर ली है और ये बर्ड फ्लू से बिल्कुल फ्री हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ पर ह्यूमंस में बर्ड फ्लू का पहला केस था, इसलिए इसको काफी हाईलाइट किया जा रहा है। इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, कफ, हेडेक, मसल्स में दर्द और सांस लेने में प्रॉब्लम आना ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज आप भी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस बच्चे को भारत में बर्ड फ्लू हुआ था और यहाँ पर इसको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर पता चलता है कि भारत से आए बच्चे को भारत के अंदर बर्ड फ्लू हुआ था। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 से लेकर अब तक किसको हो गया होगा प्लेन के अंदर, 89 केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं जिनमें से 463 की डेथ हो गई थी। यानी ह्यूमंस के अंदर अगर बर्ड फ्लू हो जाए तो उनका मोर्टेलिटी मतलब इनका इनके खाने से होता है। शब्दों में कहूँ तो अगर 100 लोगों को बर्ड फ्लू होगा तो उनमें से 52 लोग इस बीमारी के कारण मारे जाएंगे। आपको याद होगा एक समय पर भारत में भी कई सारे चिकन्स में बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद कई सारे पोल्ट्री फार्म्स के चिकन्स, डक्स और एग्स को भारत में एक्सपोज कर दिया गया था। और वैसी सिचुएशन अब दोबारा से भारत में सामने आ रही है क्योंकि भारत के स्टेट झारखंड में दोबारा से बर्ड फ्लू के कई सारे केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये जो H5N1 वायरस होता है इसको बर्ड फ्लू का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये वायरस स्टार्टिंग में पक्षियों में डिटेक्ट हुआ था, खासकर पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि चिकन्स और डक्स में।
उसके बाद फिर ये कई सारे जानवरों और खासकर गाय और बकरियों में डिटेक्ट हुआ था। पक्षियों से ये वायरस जानवरों में ट्रेवल हुआ था, जबकि ह्यूमंस में ये वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स, इन्फेक्टेड बर्ड्स, तो गाय के दूध से भी हो जाएगा फिर। आज की नई अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, एंड ये भारत में हो रहे लोकसभा इलेक्शन से संबंधित है। दरअसल अमेरिका के पॉलिटिकल थिंक टैंक के प्रेसिडेंट और फाउंडर यान ब्रेमर ने भारत के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर कुछ प्रेडिक्शन की हैं। वैसे तो यान ब्रेमर को अमेरिका का पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर रिसर्च की है। उन्होंने कहा कि इन लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी पार्टी को 305 सीटें मिलेंगी। कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन फिगर 305 के आसपास ही रहेगा। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी को 303 सीटें मिली थी। यान ब्रेमर तो खैर 305। भारत का माहौल देखकर आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी? भैया सबसे पहले तो लास्ट वाली न्यूज की बात करती हूँ। अगर उसने बोला है कि 303 थी पिछली बार, इस बार क्या 305 बोली है? भैया हम इंडियंस का अब ये फर्ज बनता है कि उसको प्रूव करे रॉन्ग। यहाँ मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, ये 305 बोल रहा है। तो भैया 400 पार करा के दिखाओ, ताकि इनको बता सकें कि भैया तुम्हारी प्रेडिक्शंस जो है ना बेकार हैं, बिल्कुल फेल। पहले कुछ फेजेस में जो कम लोग आए उसके वजह से लोगों को लग रहा होगा कि ये सिचुएशन आयो। मैं भैया सब रॉन्ग प्रूव करो, मैं बता रही हूँ गलत काम होगा अगर 400 पार नहीं हुआ, बहुत गलत बात हो जाएगी। और दूसरी जो न्यूज थी, मैं तो भूली गई, इतनी सारी थी, कौन सी बर्ड फ्लू वाली? नहीं, मैं वो बांग्लादेश वाली, पहले वो तो बढ़ता वो सुन के तो मैं इतनी शॉक में गई हूँ कि बंदा इंडिया आया, कोलकाता आया, कोई इलाज के लिए आया था, उसके बाद कहा कि भैया मैं दिल्ली जाऊंगा मिलने, वो वहीं पे कलकत्ता में गायब हो गया। और उसके बाद जब उनकी ढूंढने की कोशिश की है तो उसकी बॉडी मिली है। ये क्या मतलब हुआ? कौन है बांग्लादेशी जो कलकत्ता में बैठे, उन्होंने ये क्यों भाई, उनको क्या प्रॉब्लम थी? ये क्या बीच की बात क्या है, वो भी तो पता चले कि ऐसा कैसे हुआ। इंडिया में बड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कोई आए और ये सब हो जाए, अपनी कंट्री की बदनामी होती है। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। हाँ, और जो यूएसए का बता रहे थे कि उनका इंजन है, तो भैया वो उनका इंजन है, वो तो कोई भी कंट्री जो है वो ये तो जुड़ के गएगी कि तुम अपना चीज ले लो और जहां मर्जी कोई लगा लो, अनलेस एंड अनटिल उनके लिए वो इंजन इतना इम्पोर्टेंट ना हो या उस कंट्री से इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स हो कि उन्हें लगे कि ये कभी किसी गलत को दे ही नहीं सकते। या जनरल इलेक्ट्रिक इज नॉट अमेरिका, वो भी सोचना चाहिए। कंपनी क्यों चाहेगी, उसको तो प्रॉफिट नहीं, और साथ में वो अपनी प्रॉफिट क्यों कम करेगी। यही ये नहीं बोलना चाहिए कि यूएस गवर्नमेंट ने कुछ किया, गवर्नमेंट डिड नथिंग, जनरल इलेक्ट्रिक ने किया, कंपनी बोल रही है, बिजनेस है वो, कंपनी है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा माल जो है वो इधर कोई भी कहीं पे भी लगा ले, अपनी मर्जी से बनाया मैंने और तुम कहीं पे भी लगा कोई लो। बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसका माल दे दे वो। इसीलिए कहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खुद का बनाएं, ताकि किसी की ऐसे हिम्मत ना हो ना बोलने की, हमको हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप सोचो, आप किसी से कोशिश करो डील करने की, वो अकेला बदाम बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। बेइज्जती होती है ना कि तुमको खुद तो कुछ आता नहीं है, चलो दूसरों से लेने, और उसकी मर्जी है उसका, मतलब उसको ये था कि हाँ बना सकते हो तुम, पर कहीं और लगा लुगू के किसी और को बेचोगे, वो फिर हमारे हिसाब से, हमारी परमिशन के हिसाब से होगा। तो बेस्ट है कि इतने ताकतवर हो खुद बनाओ, बल्कि वो आके तुमसे मांगे, बजाय कि तुम उनसे बोल रहे हो कि भैया हमने तुमसे खरीदना है। चलो यार अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।